हेलो फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर टू देखेंगे। क्या कहता है, इन फिगर ट्रायंगल ओडीसी, ओडीसी ये जो ओडीसी है और फिगर आपको गिवन है ओबीए, ये जो ओबीए है ये दोनों क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। अपने पास क्या गिवन है, हम लिख लेंगे, गिवन क्या है, ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर टू ट्रायंगल ओबीए और एंगल BOC अपने को गिवन है 125 डिग्री। BOC कहाँ है, BOC ये 125 डिग्री दे रखा है। एंगल CDO जो है वो 70 डिग्री गिवन है, CDO ये दे रखा है 70 डिग्री। अब हमने फाइंड आउट करना है DOC, क्या फाइंड आउट करना है, DOC। अब आप एक बात देखें, एंगल DOC जब हम फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे देखें ये वाला एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं हम, ये वाला, तो ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे तो DOB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है और ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर होंगे, ये क्या है, दोनों लीनियर पेयर इसके, तो इनका सम क्या होगा 180 डिग्री। तो 180 में से अगर हम ये एंगल सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यही एंगल आएगा और यही अपने को फाइंड आउट करना है। तो डी हम लिखेंगे एंगल, एंगल DOC प्लस एंगल कौन सा अपने को गिवन है, बीओसी, बीओसी इज इक्वल टू इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री, हमें निकालना है डीओसी। देखिए इनमें जो नाम दे रखे हैं आप वही नाम ले लें, आप अदर नाम सी ओ डी लिख के इस पे कंफ्यूज रहेंगे, वैसे आए है तो सेम ही बात। अब यहाँ पे प्लस में बीओसी, बीओसी कितना है 125 डिग्री इज इक्वल टू 180, तो यहाँ से एंगल DOC जो है वो कितना आ गया, 180 में से 125 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कितना बच जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, ये हमने निकाल दिया DOC, ये फाइंड आउट करना था हमने, ये हो गया। अब अगला है DCO, ये हम लिख देते हैं, यहाँ कितना आ गया अपना 55। अब यहाँ बात करें तो अब DCO ये और फाइंड आउट करना है, ये तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो अब अपने को पता है कि ये एक ट्रायंगल है, DOC क्या है, एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम क्या रहता है 180 डिग्री। इन ट्रायंगल DOC में बात करें तो जो एंगल ये है कौन सा अपना, एंगल ODC, ODC का सम प्लस एंगल ये अपने हमने निकाला है DOC, DOC का सम प्लस और ये जो निकालना है हमने वो क्या निकालना है DCO, DCO का सम कितना होगा 180 डिग्री। देखिए एंगल्स बीच में लिखे जाते हैं, हमने बीच में ये आ गया है, इसका D आ गया, यहाँ O आ गया और C आ गया, DO और C बीच में लिखते हैं एंगल, आपको पता होगा। देखिए यहाँ पे ODC की बात करें तो यहाँ पे कितना है 70 डिग्री और DOC कितना है, DOC 55 डिग्री प्लस में DCO ये हमने फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री में से और ये 70 माइनस 55 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही 125 आएगा और ये कितना आ जाएगा 55 डिग्री। ओके स्टूडेंट, ये कितना आ गया 55 डिग्री। अब देखो एक बात ध्यान दें, हमें क्या गिवन है, ये गिवन था कि ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। अब अपने को देखो ये सिमिलर है तो आप बोल सकते हैं इसका जो फर्स्ट एंगल है वो फर्स्ट के इक्वल होगा, एंगल ओ, एंगल ओ के इक्वल होगा, एंगल डी जो है वो एंगल बी के इक्वल होगा और इसका एंगल सी जो है वो एंगल ए के इक्वल होगा, अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो आप ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे बात करें, अब हमने क्या निकालना है ओ ए बी, एंगल ओ ए बी, ओ ए बी किधर है, ये है ओ ए बी, इस एंगल को अपने को फाइंड आउट करना है। तो देखो ओ ए बी कैसे निकालेंगे, हमें पता है सिंस, सिंस ये ट्रायंगल कौन सी, ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर गिवन है अपने को ट्रायंगल ओ बी ए के, ओ बी ए के, और हमने क्या निकालना है एंगल ओ ए बी, तो देयर फोर यहां से ओ ए बी की बात करें तो ए एंगल जो है ओ ए, ए वाला एंगल फाइंड आउट करना है, इस ट्रायंगल में दिख रहा है ये फाइंड आउट करना है,
तो ये जो ए एंगल है इसका किसके इक्वल है, एंगल सी के इक्वल है। देखो एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल सी के। तो एंगल सी कितना निकाला है हमने, 55 डिग्री। कितना निकाला है, 55 डिग्री। तो ये हम एक बार तो लिख देंगे इसको, ये इक्वल लिखा जाएगा किसके, एंगल डी सी ओ के। एंगल डी, ये इसको लिख दें डी सी ओ के इक्वल लिखेंगे। भाई ये सिमिलर हैं तो देयरफॉर ये इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, ये इसका कोरस्पोंडिंग एंगल है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ से क्या लिख देंगे, देयरफॉर डी सी ओ की वैल्यू कितनी निकाली थी, 55 डिग्री। तो अपना आ गया एंगल ओ ए बी कितना आ गया, ओ ए बी 55 डिग्री। और यही हमने फाइंड आउट करने थे, डी सी ओ, डी सी ओ तो यहाँ निकाला हमने, और ओ ए बी ये हो गया, डी ओ सी ये हो गया, तीनों फाइंड आउट हो गए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर।